गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग। इधर पे फुल विंटर स्टार्ट हो चुका है। विंटर में सुबह उठ के एकदम चुपचुपा करके क्रीम लगाने का मजा ही अलग है। सो मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ प्रेशर अड्डू। मम्मी और ग्लोको एक साथ ब्रेकफास्ट करती है। क्यों मम्मी, क्यों? अदरवाइज ग्लोको मम्मी को खाने नहीं देगी। अच्छा है ग्लोको, अच्छा है, अच्छा है। इतना खाबे तो ग्लोको खा रही है कैरेट प्रेशर अड्डू। इसके अंदर कैरेट है और थोड़ा सा मैंने बटर डाला है। आज फर्स्ट टाइम वो बटर खा रही है। और ये मम्मी का अनियन प्रेशर अड्डू। इसको सर्दी लग गई है क्या माँ? वो जो नाक बंद हो गई थी। सिंह जी, हाय 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 मामा। खाना हो गया है मेरा। मैंने आपको बोला था ना, मेरा एक एकदम बचपन का बहुत क्लोज फ्रेंड इधर शिफ्ट होने वाला है, तो उसके लिए मैं घर भी देखने गई थी। सो अभी ना उनके लिए मैं थोड़ा सा खाना बना रही हूँ। वो लोग आज हैदराबाद आए हैं, तो मैंने बोला लंच इधर करो, उसके बाद वो लोग और थोड़ा सा इधर उधर देखेंगे रूम। उसके बाद हमने जो देखा था वही उसको उन लोगों को पसंद आया है, तो वो लोग आ रहे हैं। मैं फटाफट कुछ बना देती हूँ लंच में, हल्का पतला सा बनाऊंगी। ट्रेन से आ रहे हैं ना। लंच की प्रिपरेशन, दाल बन रहा है। आज बहुत दिन बाद मम्मी आलू फ्राई बनाएंगी, आलू भजा। और मैं बना रही हूँ चिकन। प्रेशर कुकर में ही बनाऊंगी, तो इधर पर मसाला करने के लिए अनियन छीलना है। और इधर देखो चिकन जो है ना वो अभी तक मतलब बर्फ है। और इधर मेरी रानी मामा सो रही है, इसीलिए हम काम कर रहे। ओ बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा, घूम गएगा ना। अच्छा, प्रेशर कुकर में गर्मा गर्म चिकन करी रेडी। सुमन और रूपा आए हैं और हमने खाना भी खा लिया है। और सुमन और रूपा ने बहुत अच्छा स्वीट लेके आए थे। तनी मैंने स्वीट खा लिया, अभी बोल रहे कि मैं कार्ड नहीं खाऊंगा। वो सब खाने के बाद ही सब अच्छा लगता है। हम खेचो खाना, पराठा मिर्ची खेना। किसी नहीं किया, मैं भूत जैसी दिख रही हूँ। मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ, उन लोगों के साथ निकलना है मुझे। हम लोग आए हैं बोटानिकल, कोंडापुर बोटानिकल एरिया पे। इधर पे मिल जाता है, पर आज पहले जब हम लोग देखते थे ना, मतलब मैं 4-5 साल की पहले की बात कर रही हूँ, उस टाइम पर बहुत अवेलेबिलिटी रहता था। अभी तो बहुत कम हो गया है, मतलब 4-5 गली में भी शायद एक नहीं मिल रहा है, ऐसा हो गया। तो खतरनाक अंधेरा है। मतलब ऐसा रूम भी देखो 24,000, मतलब कहा गया है रेंट। हाँ सीरियसली, हैदराबाद में रहना भी बहुत मुश्किल हो गया है। सेमी फर्निश्ड है, सेमी फर्निश्ड है ये। फर्निश कहाँ है ये? कहाँ फुल फर्निश्ड है? इसको कवर करो, इसको कवर नहीं किया ये दे दिया, ये किसका क्या मतलब है? बहुत ही खराब हालत है, बहुत ज्यादा। कुछ भी पसंद नहीं आएगा आपको 2025 में, कुछ पसंद नहीं आएगा। सरस सिटी का बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया है देखो, क्रिसमस के लिए, क्रिसमस न्यू ईयर दोनों। घर आ गए हैं, सिंह जी उठ गई है, सिंह जी को थोड़ा सा स्नैक्स खाना है। सुमन और अनिर्वन गए हैं। एक्चुअली हम आते वक्त एक फ्लैट जो हमें पसंद आया था, उन लोगों को पसंद आया है, तो वो देख के आए हैं। देखते हैं वो लोग हमारे पास में रहते हैं कि दूर में रहते हैं, कल डिसाइड होगा। सो फिलहाल अनिर्वन गए हैं और सुमन के साथ थोड़ा सा समोसा वगैरह लेने। मम्मी चाय बनाएंगी और मैं ब्लॉक के लिए पोच बनाऊंगी, ब्लॉक को पोच खाएगी, है ना। हाय बोलो तो। हाय मम 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 मम। मैं पोच बना रही हूँ, एकदम परफेक्ट शेप आया है, पर पता नहीं मैं उलट पाऊंगी कि नहीं। हमारा इवनिंग का स्नैक्स,
सैंडी से खुश सुंदर देखते हाथ अच्छा आपसे इंट्रोडक्शन नहीं किया सुमन मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड और वो गैजेट के ऊपर वीडियोस भी बनाता है मैंने लास्ट शायद एक साल पहले सुमन हमारे घर पे घूमने के लिए आया था तब बताया था कि नाम बोल तो चैनल ओके और सुमन का ब्यूटीफुल वाइफ रूपा और अभी अच्छा है कि सब लोग हम पास पास में रहेंगे है ना हाँ इनका भाग निकला भाग निकला सुमन और रूपा जा रहे हैं कल आएंगे फिर से कंफर्म करने सो हमारे पास में ही रहेंगे सो हैप्पी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी जान पहचान की कोई अगर हमारे आसपास में रहते हैं तो इसको भी लेके जाओ इसको लेके जाओ साथ में सुमन और रूपा चले गए हैं कल आएंगे वो लोग फिर से तो जैसे मैंने बोला कि जो लोग हमने देखा था उसको वो पसंद आया था वो ही इसमें फाइनल करेंगे मुझे बहुत खुशी हो रही है एक्चुअली सुमन मेरी बहुत पुराना फ्रेंड है बचपन का मतलब मेरा अनोखा फ्रेंड एक ही क्या बोलते हैं मतलब वन एंड ओनली फ्रेंड था बचपन का जिसे रोज झगड़ा करते थे हाँ मैं रोज झगड़ा करती थी मेरा मोटो था कि उसको मैं पढ़ने नहीं दूंगी मैं एवरी डे जाके बोलती थी सुमन आ जा खेलने आ जा और उसकी टीचर बोलती थी अभी जाओ सुमन नहीं आएगा हैदराबाद में ना अभी रेंट इतना बढ़ गया है मैं आपको क्या बताऊँ हमारी जो फ्लैट है जो गोपानापल्ली में हमने लिया था 6 मंथ बैक की बात कर रही हूँ किसी ने हमें कॉल किया था कोई एजेंसी से शायद ब्रोकरेज होगा कुछ तो उन लोगों ने बोला था कि मतलब अगर हम फर्निश्ड करके देते हैं ना आजकल फर्निश्ड का मतलब ऐसा नहीं रहा कि फ्रिज दो टीवी दो ये दो नॉर्मल एक अलमीरा एक बेड एक सोफ़ा दे देते और बोल देते कि फर्निश्ड है तो वो दे दो बेसिक सा इंटीरियर दे दो बस उसमें हमारा जो फ्लैट है वही उस टाइम 6 मंथ बैक में 45,000 रेंट बोल रहे थे कि नहीं इमेजिन हम लोग बीच बीच में सोचते हैं कि चलो फ्लैट को रेंट पे ही दे देंगे और हम इधर रह जाएंगे जोक्स अपार्ट पर सही में मतलब जो उस जगह पे तो अभी कुछ भी नहीं है डेवलपिंग है फिर भी देखो 2 BHK में 45,000 रेंट आ गया है वो भी कोई ब्रोकर हमें बोल रहा है मतलब अगर हम खुद से देंगे तो और ज़्यादा होगा इतना रेंट बाप रे अभी रात के 12 बज रहा है हमने डिनर नहीं किया क्योंकि पता नहीं समोसा और वो सैंडविच में इतना पेट भर गया 8 बजे ही सो उसके बाद मैं एडिटिंग कर रही थी उसके बाद ग्लाको को लेके अनिर्बन सो गए मैं आपको दिखाती हूँ ग्लाको किस तरह से सोती है सेम इक्वली वो मेरे ऊपर भी ऐसी सोती है दिखाती हूँ ऐसे एक सजेशन दे सकते हैं क्या बच्चे जो है ना मुझे लगता है सभी बच्चे ऐसे होते हैं कि वो लोग ना विंटर में कोई भी कंफर्टेबल उसके ऊपर नहीं रखते हैं तो मैं क्या करती हूँ सब लोग वही बोला था कि फुल स्लीव्स फुल पैंट पहना के सुलाओ वो उसमें सुलाती हूँ तो उसमें उसका बहुत स्वेटिंग होता है तो कल 2 रातों से मैं देख रही हूँ ना उसके नीचे जो हेड के नीचे जो है ना स्वेटिंग हो गया है भीग गया है आप तो मतलब एवरी मिनट पे चेक नहीं कर सकते हो ना रात को आप भी तो सोते हो ना तो उसको ठंड लग गई है फिर से वो रानी नोज हो रहा है तो किस तरह से मतलब समझे कैसे कि उसको कितना वॉर्म चाहिए बिल्कुल भी नहीं रहती है कंफर्टर के अंदर तो आप लोग सजेशन देते जाना चाहिए चलो फिर मिलेंगे बाय।